मैं यहाँ का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। ये धरती किसानों की राजधानी है, लेकिन ये उचित नहीं है कि मैं इसका नाम भी बोलूँ। यहाँ का नाम बदल देना चाहिए। अंग्रेजों की हुकूमत से देश को आजाद हुए 75 साल बीत गए, लेकिन ये आज भी मुगलों की निशानी बाकी है। ये बात केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरनगर में कही। वो घटना जिसने सांप्रदायिक रंग ले लिया था, वो घटना जो बदले की भावना से भड़क गई, वो घटना जिसे कवाल कांड के नाम से भी जाना जाता है, वो दंगे जिसने शहर की सियासत ही पलट दी, वो इलाका जिसकी पहचान हमेशा गुड़ की मिठास के लिए रही है, लेकिन बाद में वो मिठास कब जहर में बदल गई पता ही नहीं चला। हम बात कर रहे हैं साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर में हुए दंगों की हकीकत, मुजफ्फरनगर में दंगे क्यों हुए थे और इसके पीछे क्या कारण था, और इन दंगों का चुनाव पर कितना असर पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। मुजफ्फरनगर दंगों को भले ही लगभग 10 साल हो गए हैं, लेकिन वो वक्त पीड़ितों के जहन से आज भी नहीं निकला है। आज भी लोग उस दिन को याद करके सिहड़ जाते हैं। जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच झड़प 27 अगस्त 2013 को शुरू हुई थी। कवाल गांव में कथित तौर पर एक जाट समुदाय लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक ने छेड़खानी की। उसके बाद लड़की के दो ममेरे भाइयों गौरव और सचिन ने उस मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला। जवाबी हिंसा में मुस्लिमों ने दोनों युवकों की जान ले ली थी। मुजफ्फरनगर जिले के कवाल गांव में जाट मुस्लिम हिंसा के साथ ये दंगा शुरू हुआ था। उसके बाद देखते ही देखते हिंसा इतनी भड़क गई कि वहां 62 लोगों की जान चली गई थी। बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। दंगे के दौरान यहां कर्फ्यू लगा दिया, सेना बुला ली गई। कर्फ्यू करीब 20 दिनों तक रहा। 17 सितंबर को दंगा प्रभावित स्थानों से कर्फ्यू हटा लिया गया, सेना वापस बुला ली गई, लेकिन 2013 के दंगों ने यहाँ की तहजीब पर ऐसा दाग लगाया कि पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हुई। उस दंगे में हिंदू मुस्लिम के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई थी। पलायन जैसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आने लगी, मानो दो समुदाय एक दूसरे की जान के कट्टर दुश्मन बन गए थे। आपको बता दें, इन भड़के दंगों से कई परिवार 3 साल तक दिल्ली में छुप कर रहे। अनगिनत महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। दंगों के दौरान दर्ज हुए मुकदमों में गैंगरेप के अलावा केवल 2 अन्य मुकदमों में ही दोषियों को सजा हो पाई। 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में विभिन्न थानों में 510 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें SIT ने जांच कर 175 मुकदमों में आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट भेजी थी, जबकि 165 मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी। 170 मुकदमे एक्सचेंज कर दिए गए थे। कोर्ट में चले दंगों के केवल 3 मुकदमों में ही आरोपियों को सजा हुई। इनमें 27 अगस्त 2013 को गांव कवाल में मारे गए सचिन और गौरव की हत्या के मामले में 8 फरवरी 2019 को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 ने 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 11 अक्टूबर 2022 को विशेष MP MLA कोर्ट ने दंगे के एक मामले में खतौली के तत्कालीन विधायक विक्रम सैनी को दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने दोषियों को रिहा कर दिया था। इस घटना का असर राजनीति पर भी पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगा एक बड़ा मुद्दा बना। जब दंगा हुआ तब राज्य में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह वाली UPA वाली सरकार थी, लिहाजा लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक BJP ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसका असर भी दिखा और BJP को पूरे पश्चिमी UP चुनाव से चुनाव में व्यापक जन समर्थन भी मिला। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है। मुजफ्फरनगर में भी समय के साथ नजारा धीरे धीरे बदल गया। जो मुजफ्फरनगर दंगों की तपिश लंबे वक्त महसूस करता रहा, वो खेती किसान के नाम पर एकजुट हो गया। बता दें कि ये वो इलाका है जहाँ जाट बूजर समेत मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेती से जुड़े हैं। यही वजह रही कि जब केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे जाट मुस्लिमों से कंधे से कंधा मिलाकर नजर आए। चेहरों पर बेबसी, आंखों में नमी, जो शायद धुएं की कड़वाट की वजह से पैदा हुई। यह दंगा यूपी के इतिहास के सबसे भयावह दंगों में से एक था। हालात हाथ से इतने बाहर चले गए थे कि प्रदेश सरकार की मशीनरी लगभग फेल हो गई थी और सेना की मदद से शांति व्यवस्था स्थापित हो पाई थी। नमस्कार।